नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। गाइज, इस वीडियो में बात करने वाले माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के बारे में। जैसे कि गूगल की तरफ से गूगल ड्राइव रहता है, जहाँ पे आपको एक लिमिटेड स्पेस मिलता है आपकी फोटोज फाइल वगैरह स्टोर करने के लिए क्लाउड सर्विस में, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वन ड्राइव मिलता है आपको क्लाउड सर्विस, जो फाइल और फोटोज वगैरह आप स्टोर कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड स्पेस मिलता है, अगर आपको उस लिमिटेड स्पेस से ज़्यादा चाहिए तो कुछ पे करके आप इससे ज़्यादा स्पेस भी क्लाउड स्टोरेज ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ को ज़रूरत है वो है माइक्रोसॉफ्ट की अकाउंट। सो मैं इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप एक माइक्रोसॉफ्ट की अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और इसके बाद बताऊंगा वन ड्राइव में किस तरीके से आपका फाइल फोटोज वगैरह आप अपलोड करके क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिए, आई होप अच्छा लगेगा। सो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो। सो गाइज, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल से आपके डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है आप ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद सिंपल से सर्च कीजिए microsoft.com। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल पेज ओपन होने के बाद सिंपल से क्लिक करना है यहाँ पे प्लस साइन में, और यहाँ पे देख सकते हैं नो अकाउंट क्रिएट वन, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन मिल रहा है, गेट ए न्यू ईमेल एड्रेस, और ऊपर की तरफ है यूज ए फोन नंबर इंस्टेड, तो यहाँ पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे सिंपल सी आपका फोन नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पे फोन नंबर डालने के बाद सिंपल सी कर देते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे दिखा रहा है क्रिएट ए पासवर्ड, तो सिंपल सी यहाँ पे एक पासवर्ड आपको सेट करना है। सो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, और यहाँ पे सिंपल सी करना है नेक्स्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्स योर नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, तो सिंपल सी मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देता हूँ, और कर देते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्स योर बर्थ डेट, यहाँ पे कंट्री आपका जो भी कंट्री है सिलेक्ट कर लीजिए, तो मेरे केस में इंडिया है, मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे सिलेक्ट करना है डेट मंथ और ईयर, मैं कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिंपल सी यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई फोन नंबर, आपकी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, यानी कि वन टाइम पासवर्ड, सो इस कोड को यहाँ पे एंटर करना है। तो सिंपल सी मेरा जो भी कोड है मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, और करते हैं नेक्स्ट। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक मेल आईडी ऐड करना है, सो सिंपल सी मेरा जो भी जीमेल आईडी है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और जीमेल आईडी ऐड करने के बाद कर देते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हैं वेरीफाई ईमेल, यानी कि आपका मेल पर एक लिंक गया है, और यहाँ पे क्लिक करके आपको वेरीफाई करना है, तो सिंपल सी मैं मेरे मेल पे जाके मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। और जैसे ही मेल से वेरीफाई कर लेंगे आपका जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है एक्टिव हो जाएगा। तो इसी तरह आप एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, यही था कंप्लीट प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करने की। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।